हमेशा ही ऑडियंस को खींचने का काम करते हैं, है ना? ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं। लेकिन जब भी सिनेमा में क्रिकेट की कहानियां दिखाई जाती है तो हमेशा ही दर्शकों के बीच जबरदस्त सिक्सर मारकर तारीफें लूटे, ये जरूरी नहीं। तो रहन दो फिर। तो आज हम बात करने वाले हैं अभिषेक बच्चन और सियामी खेर के कॉम्बिनेशन वाली घूमर मूवी की। घूमर मूवी विश्वास, भरोसे और क्रिकेट के प्लेयर से सजी एक खूबसूरत कहानी है जो एंटरटेनमेंट का डोज साथ लेकर आई है। तो आइए बताते हैं कि इस फिल्म में आपके लिए क्या खास है। ये कहानी है अनीना दीक्षित यानी कि सियामी खेर की, जो एक जबरदस्त बैटर और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। अनीना अपना ये सफर तय करने वाली थी कि तभी उसकी जिंदगी एक दुर्घटना से पूरी तरह बदल जाती है। अपनी हर आस तोड़ चुकी अनीना की जिंदगी में फिर एंट्री होती है अभिषेक बच्चन की, जो ना केवल उनके खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाते हैं बल्कि देश के लिए खेलने के लिए उनके सपने को पूरा करने में भी उसकी मदद करते हैं। इससे पहले भी क्रिकेट की साधारण कहानियां हम देख चुके हैं लेकिन घूमर अब तक की किसी भी महिला स्पोर्ट्स फिल्म से अलग और आगे की बात करती है। लड़की क्रिकेट खेल रही है, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या उसे जगह जगह ताने सुनने को मिल रहे हैं, उसके सिलेक्शन के बाद पॉलिटिक्स का भी शिकार होना पड़ रहा है, ये सारी तमाम चीज़ें हैं इस मूवी में। कहानी की शुरुआत में अनीना की दादी यानी कि शबाना आज़मी उसके साथ हर मैच में उसका स्कोर कवर कर रही हैं और दूसरी तरफ घर पर अनीना के पिता अपने दो बेटों और एक बेटी के लिए खाना बना रहे हैं। घूमर की यही बातें इस फिल्म को खास और अलग बना रही है। अक्सर स्पोर्ट्स पर आधारित फिल्में एक पॉइंट के बाद बिल्कुल एक जैसी हो जाती है पर घूमर शुरू से आखिरी तक बांधे रखने का काम कर रही है। फिल्म का फर्स्ट हाफ में जहां कहानी को पकाने का काम करता है वहीं सेकेंड हाफ में काफ़ी हाई पॉइंट है, सेकेंड हाफ में काफ़ी मज़ेदार भी है। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी फिल्म में आपको कान फोर बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं नहीं मिलेगा। अभिषेक दिल जीत लेंगे इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी मैं आपको दूंगी। नहीं मानता। एक्टिंग की बात करें तो अनीना के किरदार में सियामी खेर बेहतरीन कर रही हैं। वो खुद एक क्रिकेटर हैं और इसीलिए क्रिकेटर की बॉडी लैंग्वेज उन्होंने बखूबी पकड़ी है। फिल्म में दिल जीतने का काम किया है पैडी सर बने अभिषेक बच्चन ने, जो जब भी स्क्रीन पे नज़र आते हैं तो फिल्म में अभिषेक ने जिंदगी के लॉजिक और मैजिक पर एक ज़बरदस्त मोनोलॉग दिया है। इसे सुनने के बाद बार बार दिल से बस एक ही आवाज़ आती है, अभिषेक आप और ज़्यादा फिल्में करो यार। टॉर्चर करने वाला कोच और उसे झेलना प्लेयर, ये फिल्मों का काफ़ी पसंदीदा कॉम्बिनेशन है लेकिन अभिषेक ने इस अंदाज को बखूबी निभाया है। अभिषेक ने इस फिल्म में अपने अभियान से जान फूंक दिया है। वहीं शबाना आज़मी ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से इतर इस फिल्म में एक सख्त महिला के किरदार में नजर आई हैं, जिनकी क्रिकेट की नॉलेज उनके घर के किसी भी मर्द से कहीं ज्यादा है। घूमर की एक और सबसे बड़ी स्पेशलिटी है फिल्म के डायलॉग्स, जी हाँ, जो कहानी में जान भर देते हैं। फिल्म के वन लाइनर्स बेहद मज़ेदार हैं, उतना ही कमाल फिल्म की राइटिंग में भी है, जो कहानी के हर हिस्से में आपको हंसने और भावुक होने का पूरा पूरा मौका देती है, मतलब पूरा पूरा मौका दे रही है। अच्छा ठीक है। कहानी के सेकेंड हाफ में दिखाए गए मैच को पूरी तरह फिल्मी दिखाया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और अगर आप भी देखना चाहते हैं ये मूवी तो ज़रूर जाए और ज़रूर देखिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्टर जी। धन्यवाद।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।